सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की स्पेशल मिडिल ईस्ट रिपोर्ट, जो कि आप रजा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड चैनल पर देख रहे हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि स्पेशल रिपोर्ट मिडिल ईस्ट की रजा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड पर ही आएगी, रजा ग्राफी पर नहीं। ईरान को काफ़ी बड़ी कामयाबी मिली है ये कि अब तमाम अरब देश खुलकर उसके साथ हो रहे हैं। सीधी तस्वीर दिखाऊंगा बिना आपका समय गवाए। ये देखिए, ये गश्त करी है ईरान, सऊदी अरब, यूएई और ओमान ने अपनी नौसेना को मिला दिया है। कतर के न्यूज़ चैनल अल जदीद ने इस वीडियो को रिपोर्ट किया है और पर्शियन यानी ईरान के न्यूज़ चैनल पर भी ये खबर शोर और ज़ोर से चल रही है। दोस्तों, ईरान, सऊदी अरब, यूएई और ओमान की ये पहली ऐसी एक साथ जॉइंट एक्सरसाइज समझ लीजिए, जिसमें ये साथ गश्त कर रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं, ये पहली बार ऐसे देखने में आ रहा है, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। बिखरा हुआ परिवार एक हो रहा है और इससे समुद्र में काफ़ी ज़्यादा मजबूत अरब देश और ईरान होंगे। ये खबर अमेरिका को, इसराइल को बेहद चुभने वाली है। दोस्तों, IRGC के और भी कमांडर और फोर्सेस पर अमेरिका ने पाबंदी लगा दी है। उन फोर्सेस का ताल्लुक ईरान के IRGC के साथ साथ तुर्की से भी था। ईरान में 2015 के बाद सबसे ज़्यादा इस 2023 में ईरान ने फांसी दी है। अब तक सिर्फ 2023 में ही लगभग 300 लोगों को फांसी पर चढ़ा चुका है। एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट लीक हुई है कि सीरिया के अलग अलग लड़ाकू ग्रुप को ईरान हथियार दे रहा है, ताकि रोड साइड से अलग अलग इलाकों से अमेरिका के ठिकानों और सैनिकों पर सीरिया में हमला किया जा सके। एक और बड़ी रिपोर्ट आ रही है, इजिप्त और ईरान नॉर्मलाइजेशन के लिए तैयार तो हैं, लेकिन दोनों छोटे छोटे मुद्दों पर, अभी कई सारे ऐसे छोटे छोटे मुद्दे हैं जिस पर वो एग्री नहीं हैं, एक दूसरे की बात से वो राजी नहीं हैं, जिस पर अभी भी लगातार बातचीत चल रही है। उधर दोस्तों, बड़ी खबर मिडिल ईस्ट की एक ये भी है कि पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर फायरिंग ईरान की तरफ से की गई है। इस फायरिंग में दो पाकिस्तानी फौजी मारे गए हैं। दोस्तों, 2020 में इसराइल ने ईरान पर इल्ज़ाम लगाया था कि वो अपने न्यूक्लियर फैसिलिटी में यूरेनियम ज़्यादा बना रहा है और इंटरनेशनल कानून को तोड़ रहा है। ऐसे कई सारी रिपोर्ट्स दायर करी थी, कई सारे केसेस दायर करे थे और IAEA से डिमांड करी थी कि आप इसकी जाँच करें। IAEA ने उनकी जांच करी है और उनमें से दो केस को बंद कर दिया है और ईरान को क्लीन चिट दे दी है। इस पर नेतन्याहू बुरी तरह से भड़क गए हैं और चिढ़ गए हैं। नेतन्याहू ने कहा कि ये ईरान का गेम है, ईरान ने अपने गेम में IAEA को फंसा लिया है और IAEA उसके झांसे में फंस गया है। इसके बाद नेतन्याहू खुद कैमरे के सामने आए और उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी और ईरान को मुखातिब करते हुए कहा है कि मैं बता देना चाहता हूं कि इसराइल वो सब कुछ करेगा जिससे ईरान न्यूक्लियर वेपन हासिल ना कर सके। सुनिए, אני שומע את כל הפרסומים בעניין איראן, אז יש לי מסר חד וברור גם לאיראן וגם לקהילה הבינלאומית. ישראל תעשה כל מה שהיא צריכה לעשות כדי למנוע מאיראן נשק גרעיני. इतना ही नहीं, इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने धमकी बड़ी दी है कि तुरंत ईरान पर कोई भी एक्शन ले सकता है इसराइल, अगर ईरान की तरफ से ज़रा सा भी ख़तरा हुआ। वहीं दोस्तों, हंगरी ने ज़ोरदार मुक्का इसराइल के मुंह पर चढ़ दिया है। कल इसराइल ने ऐलान किया कि हंगरी यूरोप का एक पहला ऐसा देश बनने वाला है जो तेल अवीव से अपनी एम्बेसी को शिफ्ट करके जेरूशलम में करने वाला है। इस पर हंगरी ने ही मुक्का मार दिया, हंगरी ने कह दिया झूठे, हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है, जेरूशलम में हमारा ट्रेड का दफ्तर पहले से मौजूद है, हम अपनी एम्बेसी जेरूशलम में शिफ्ट करने वाले नहीं हैं। नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ अभी भी तेल अवीव यानी इसराइल की राजधानी में लाखों लोग सड़कों पर हैं। दो महीने से ज़्यादा हो चुका है, ये प्रदर्शन रुक नहीं रहा, लेकिन वेस्ट मीडिया का प्रोपागंडा यही है कि ये तमाम तस्वीरें आपको नहीं दिखाई जाती। इसके अलावा इसराइल एक और बिल ला रहा है, कानून ला रहा है, जिसके तहत फिलिस्तीनियों के स्कूल को और कॉलेजेस को पूरी तरह से कंट्रोल करेगा। ये सरासर और एक बड़ा जुल्म है फिलिस्तीनियों पर। इटली में मैंने आपको कल बताया था कि एक शिप पर
मुसाद का एक जासूस था, रूस की एक जासूस थी और इटली के दो जासूस थे। मैंने कल ही कहा था कि भाई इतने सारे जासूस एक शिप पर ऐसे तो नहीं हो सकते, और वो शिप डूब गई और कई जासूस मारे गए और ख़ासकर मुसाद का जासूस मारा गया, जिससे हड़कंप मच गया। अब इसराइल ने बयान जारी करके कहा है कि वो रिटायर्ड जासूस नहीं था, वो एक ऑपरेशन पर था, और ये जो शिप डूबी है इसके पीछे कोई ज़रूर षड्यंत्र होगा। उधर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन इसराइल जाने वाले थे, लेकिन एंड मूवमेंट पे उन्होंने अपनी ट्रिप को कैंसिल कर दिया। कहा जा रहा है कि कई पॉइंट पर अब अमेरिका इसराइल से सहमत नहीं है और इसराइल ईरान से ज़बरदस्ती पंगा ले रहा है, इससे भी अमेरिका फिलहाल राज़ी नहीं है। बहरैन में इसराइल की जो एम्बेसी है 75वीं अपनी वर्षगांठ मनाई है इसराइल के लोगों ने बहरैन की एम्बेसी में बहरैन के लोगों के साथ। तस्वीर आपके सामने। उधर दोस्तों इटली ने सऊदी अरब पर हथियार देने की पाबंदी लगा रखी थी कि वो हथियार नहीं दे सकता, लेकिन सऊदी अरब पर से अब पाबंदी हटा दी गई है, अब इटली खुद अपने हथियार दे सकता है सऊदी अरब को। तेल को लेकर सऊदी अरब और रशिया के बीच में टकराव हो गया था, क्योंकि जिन जिन देश में सऊदी अरब तेल सप्लाई करता था वो तमाम देश अब रूस से ज़्यादा तेल ले रहे थे। सऊदी अरब के लॉ मेकर्स ने अरब की सरकार से कहा था कि रशिया के खिलाफ कुछ कीजिए। इस पर आपको बताऊँ कि ब्रिक्स की मीटिंग साउथ अफ्रीका में थी, यहाँ पर सऊदी के विदेश मंत्री और रशिया के विदेश मंत्री का आमना सामना हुआ, दोनों ने बात करी। बात करने के बाद ये बयान रूस के विदेश मंत्री की तरफ से दिया गया कि सऊदी अरब हमारा पुराना बेहतरीन और भरोसेमंद पार्टनर है, हमारी कोई भी इनसे नाराज़गी नहीं है और हम मिलकर काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। दोस्तों मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट में, स्पेशल रिपोर्ट में रज़ा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड पे इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।